बहुत दर्द होता है ऐसा रिपोर्टिंग करते हुए, जब झारखंड की कोई बेटी फुटबॉल के लिए भारत से इंटरनेशनल खेली हो और वो आज आर्थिक तंगी, बदहाली और ना जाने कैसे वो जीवन जी रही है, कि जिसे आज इंटरनेशनल खेलना चाहिए, आज देश के लिए मेडल लाना चाहिए, वो झारखंड की बेटी आज खपड़ैल के घर में रह रही है। जैसे मेरा आर्थिक स्थिति है, उसको भी हम सुधारना चाहते हैं, खेल के ही हम अपना नाम, क्लब का नाम रोशन करना चाहते हैं। एक शौचालय तक नहीं है और जिसे उम्मीद है कि नहीं, मैं आज भी मेडल ला के दूंगी। ये कहानी है झारखंड धनबाद गोमो की, आशा महतो की, जिसे गोल्डन बूट अवार्ड फुटबॉल का एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है मिल चुका है। मेरा नाम आशा कुमारी है, हम नौ नेशनल खेले हैं और दो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2018 में इंडिया खेले, अभी रिसेंट नेपाल में लीग खेल के आए हैं और अभी आई लीग खेल रहे जो ईस्ट बंगाल से अभी जस्ट खेले हैं। सर, आगे हम और सीनियर इंडिया खेलना चाहते हैं और जैसे मेरा आर्थिक स्थिति है, उसको भी हम सुधारना चाहते हैं, खेल के ही हम अपना नाम, क्लब का नाम रोशन करना चाहते हैं। सर, पहली बात तो मेरे पापा नहीं है, बचपन से ही हम अपने पापा को नहीं देख पाए हैं और जब से होश संभाले हैं तब से सर लोग को ही देखे हैं। हम लोगों गांव में ही पहले प्रैक्टिस हुआ करता था और मेरी मम्मी पहले एक स्कूल में खाना बनाती थी जो कि अब नहीं बनाती है, वहाँ खाना का चेंज होते रहता है खाना बनाने, तो अब मेरी मम्मी सब्जी बेच के घर चलाती है। हम लोग तीन बहन हैं तो मम्मी घर चलाती है तो आर्थिक स्थिति खराब ही है। और रही बात जैसे हमको डाइट मिलना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कत होता है बॉडी वेट से लेकर कुछ भी। तो अगर हमको कहीं भी मतलब पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है या फिर कुछ, तो मेरा जो डाइट है वो भी हो पाता और घर का भी स्थिति थोड़ा ठीक हो जाता। ये सब खुश है ना? हाँ, खुश है। कैसा लगता है आपको जब ये ठीक लग, जब ये जाती है इतना सारा पदक लेके आती है? हाँ, कौन सी कुछ जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। हाँ, घर द्वार देखा कैसा है, घर द्वार के ठीक ना है तो कैसे काम चल, तीन गो बेटी है कैसे करके जॉब है, तो तब नहीं हमने संभालते, हमने अब काम करा पार्बे कि अखनी पोसे पार्बे, अब अखनी ये काम है हमें खेबे ने, इसी खातिर कुछ एक मदद कर। नौकरी तो मिलक चाहिए, इतना दूर जाओ तो नौकरी नहीं दे। झारखंड एक्सप्रेस आप सभी से अनुरोध करता है कि इस बेटी की मदद करिए और ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए ताकि कल का भविष्य हमारे झारखंड का उज्जवल हो।